गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुकलो। तो ये शुरू करते हैं अपने 19 दिसंबर का डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर। और मुझे पूरी उम्मीद है मैंने जो जो टॉपिक्स आपको पढ़ने के लिए बोले थे, लाइक एमएसपी, ग्रीन रिवॉल्यूशन और वाइट रिवॉल्यूशन और आपका एक शास्त्री व्रत, वो टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ा होगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर वन की ओर। क्वेश्चन नंबर वन देखिए क्या लिखा हुआ है। रिसेंटली विच कंट्री स्पेस स्टार्टअप आई स्पेस INC हैज लॉन्च इट्स प्राइवेट लैंडर M1 ऑन द मून बाय SpaceX Falcon 9 रॉकेट। देखो रॉकेट का नाम है SpaceX Falcon 9 रॉकेट अंडर इट्स हेकुटो आर मिशन। ओके, हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष स्टार्टअप स्पेस INC ने अपने अकूटो आर मिशन के तहत SpaceX Falcon 9 के रॉकेट द्वारा मून पर अपना निजी लैंडर M1 लॉन्च किया है। तो कौन है वो? आपका जापान है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक कंपनी है जिसका नाम है SpaceX, तो SpaceX कंपनी किसकी है? आप सबको पता है, वो है आपकी एलॉन मस्क की। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। विच कंट्रीज वेटरन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ग्रांट वर्ल्ड आइज इन कतर ड्यूरिंग फीफा वर्ल्ड कप। फीफा विश्व कप के दौरान कतर में किस देश के अनुभवी खेल पत्रकार ग्रांट वाई का निधन हो गया? कहां गए वो? अमेरिका के अनुभवी जर्नलिस्ट थे। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। द ड्रीम क्रू फॉर द फर्स्ट सिविलियन मिशन टू द मून हैज बीन अनाउंस्ड एंड विच इंडियन एक्टर हैज बीन इंक्लूड इन इट। मून के पहले नागरिक मिशन के लिए ड्रीम क्रू की घोषणा कर दी गई है और इसमें किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है? तो यह आपका आंसर देव जोशी। अगर देव जोशी का मैं आपको नाम बताऊं, जिसका नाम लगभग देव जोशी को लगभग बहुत सारे इस नाम से नहीं जाते होंगे, लेकिन आपने बालवीर का नाम तो सुना होगा, तो बालवीर का ही असली नाम है देव जोशी। ठीक है, चलिए अबे भाई साहब जाएंगे चांद पर। अच्छी बात है, जाना चाहिए, घूमने लायक जगह है ना चांद बच्चों। चलो, इन विच स्टेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नाम याद कर लो, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट विच हैज बीन नेम्ड आफ्टर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मनोहर पारिकर। किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है, जिसका नाम पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर के नाम पर रखा गया है? तो ये कहां पर है आपका? किस राज्य में? गोवा के राज्य में। कहां पर? गोवा राज्य में। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। थोड़ा जूम किया जाए इन महाशय को। देखो, अब जो एयरपोर्ट का नाम चेंज किया गया, उसका नया नाम क्या होगा? मनोहर पारिकर एयरपोर्ट, जो कि गोवा में है। डोबालिम एयरपोर्ट भी आपका गोवा में है। डीबी पाटिल एयरपोर्ट का है आपका नवी मुंबई में है। भगत सिंह एयरपोर्ट आपका चंडीगढ़ में है। महाराजा अगरसेन एयरपोर्ट आपका हिसार में। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज प्रिंटेड द फर्स्ट बैंक नोट्स विद टू वुमन सिग्नेचर, जेनेट येलेन एंड प्लेन मलरेवा। किस देश ने दो महिलाओं के हस्ताक्षर के साथ पहला बैंक नोट छापा है? किसने छापा है? अमेरिका ने छापा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। Who have been named as ICC Player of the Month Award for the November 2022? November 2022 के लिए ICC Player of the Month Award के लिए किसे नामित किया गया है? किसे नामित किया गया है? जोस बटलर और सिद्रा अमीन को नामित किया गया है। चलिए तो यहाँ पे Player of the Month का नाम लिखा हुआ है। जैन में कौन था, फेब में कौन था, मार्च है, अप्रैल सब था। ठीक है, तो आप लोग उसको पढ़ लेना। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखो पूरा अक्टूबर तक का नाम यहां पर लिखा हुआ है। चलिए
The first G20 Finance and Central Bank Deputies FCBD meeting held in which city? पहली G20 फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डिप्यूटीज FCBD की बैठक किस शहर में आयोजित हुई? कहां पे हुई? बेंगलुरु में आयोजित हुई, G20 2023। चलिए, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड फर्स्ट एवर अरब बिल्ड लूनार स्पेस क्राफ्ट? किस देश ने पहले अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? इसने किया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने किया है। चलिए, मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर, ठीक है, कहां पर है आपका? यूएई में है। मंगल ग्रह पर फर्स्ट अरब कंट्री कौन सी गई है? यूएई गई है। और चांद पर फर्स्ट अरब कंट्री कौन सी गई है? यूएई गई है। सेम, ठीक है, चलिए। और पहली बार मंगल के ऑर्बिट में अपना सैटेलाइट किसने स्थापित किया था? भारत ने किया था। कौन से मिशन के तहत किया था उसने? मंगलयान मिशन के तहत किया था। चलिए, हु हैज फ्लैग्ड ऑफ इंडिया सिक्स्थ वंदे भारत एक्सप्रेस बिटवीन बिलासपुर छत्तीसगढ़ टू नागपुर महाराष्ट्र रूट? ओके, मतलब छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र का रूट जो था, ओके, बिलासपुर से नागपुर मार्ग के बीच भारत की छठी वंदे भारत एक्सप्रेस को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? किसने किया? नरेंद्र मोदी ने रवाना किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वंदे भारत कहां से कहां तक थी? दिल्ली से वाराणसी थी। सेकंड वंदे भारत दिल्ली से कटरा थी। ये जो कटरा है ना, ये मे भी शायद कश्मीर वाला कटरा है, ठीक है, ये कश्मीर वाला कटरा, क्योंकि कटरा के नाम पर बहुत सारी जगह, यहाँ तक कि मेरे खुद के गांव में जो एक मार्केट है उस मार्केट का नाम ही है कटरा बाजार, ठीक है, तो ये शायद कश्मीर वाला कटरा, मैं आपको नेक्स्ट में पक्का बताऊंगा। थर्ड वंदे भारत कहां से कहां तक? मुंबई से अहमदाबाद तक के। फोर्थ वंदे भारत दिल्ली से यूएनए तक है। और पांचवा वंदे भारत चेन्नई से मैसूर है। छठवा वंदे भारत बिलासपुर से नागपुर है। फर्स्ट किसान रेल कहां से कहां तक है? देवलाली से दानापुर। चलिए, विच एडिशन ऑफ द काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल हैज किक्ड ऑफ इन नेपाल्स काठमांडू? नेपाल के काठमांडू में काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? 20वां। चलिए, विच सिटी होस्टेड द नेशनल कॉन्क्लेव ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज? किस शहर ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया? किस शहर ने किया है? वाराणसी ने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जस्टिस दीपांकर दत्ता हैज टेकन ओथ एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विद दिस व्हाट इज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट एट प्रेजेंट? न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया। इसके साथ ही वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? कितनी हो गई है? 28 हो गई है। चलिए, सुप्रीम कोर्ट कहां पर है आपका? न्यू दिल्ली में है। जज कितने हैं? 33+1=34। CJI का नाम क्या है? DY चंद्रचूड़। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 14th December। हु हैज लॉन्च्ड द ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल यात्रा पोर्टल ऑन दिस ओकेशन? ईवी यात्रा। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हर साल 14 दिसंबर को मनाया गया है। इस अवसर पर किसने ईवी यात्रा पोर्टल लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया है?
द्रौपदी मुर्मू मतलब भारतीय के भारत के राष्ट्रपति ने लॉन्च किया है। चलिए बताइए इनके सेक्रेटरी का नाम क्या है जो अभी अभी अपॉइंट हुए। ठीक है चलिए, और यहाँ पर नीचे कुछ डेज है डेट्स के साथ, तो आप लोग उनको याद कर लेना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मेरा लेक्चर होता है समाप्त। अगर आपको कुछ भी डाउट, तो कोई नया टॉपिक आपको पढ़ना हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, तो आज घर जाके आपको क्या क्या पढ़ना है, देखो सबसे पहले जो इस भी नए चीज की बात हुई है, जैसे ईवी यात्रा हो गया, 6th वंदे भारत मिशन हो गया, ठीक है, उन सबके बारे में जाके आपको गूगल करके खुद से पढ़ना है इमेज देखकर। फिर उसके बाद में जो मैंने आपको बोला था ग्रीन रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन और एमएसपी के बारे में अच्छे से पढ़ना है। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टाटा, जय जय भारत, लव यू ऑल।